हाई यू गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम बैक विथ मिंत्रा हॉल। टाइटल आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज मैं आपके साथ मिंत्रा के कुर्ता सेट का हॉल शेयर करने वाली हूँ। बहुत टाइम हो गया था आपके साथ ना कोई मिंत्रा के कुर्ता सेट का हॉल शेयर नहीं किया था, तो मैंने सोचा ऑर्डर प्लेस करते हैं, बिकॉज मुझे भी ना कुछ कुर्ता सेट की रिक्वायरमेंट थी एंड मिंत्रा में मुझे बहुत अच्छा कलेक्शन देखने को मिल रहा था। समर में अभी न्यू कलेक्शन ऐड हुआ है, तो मैंने ना कॉटन मटेरियल में कुछ कुर्ता सेट ऑर्डर किए हैं। तो अगर आपको लाइक समर के लिए अच्छे कुर्ता सेट की रिक्वायरमेंट है ना, आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं इनमें से, बिकॉज प्राइस वाइज भी दीज आर अफोर्डेबल। आई थिंक सभी ना बिलो 1000 की रेंज में है एंड डिज़ाइन भी सभी की बहुत अच्छी है, आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। डेली वेयर, कॉलेज, ऑफिस, जहाँ पे भी आपकी मर्जी हो आप वहाँ स्टाइल कर लीजिएगा। अब बिना देरी किए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट कुर्ता सेट। फर्स्ट आई हैव दिस पिंक एंड वाइट कलर कुर्ता सेट, एंड ये वाला कुर्ता सेट बहुत अच्छा है। इसकी जो कुर्ती का पैटर्न है ना, मुझे बहुत पसंद आया, एंड ये जो ओवरऑल प्रिंट का कॉम्बिनेशन है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आपको ट्राई एंड पैटर्न अच्छे से इसका प्रॉपर लुक समझ में आ जाएगा। यू कैन सी गाइज, ये आपको मिल जाता है अंगरखा पैटर्न में। बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाइज इसका कुर्ता है। लुक एट दिस कलर, बहुत ही प्रिटी सा पिंक है, वो जो मॉविश पिंक होता है ना, उस टाइप से इसका कलर। एंड इसमें ये जो व्हाइट कलर से आपको लेस डिटेलिंग मिलती है ना, उसके कारण जो लुक है ना, काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होकर आ रहा था इस कुर्ते का। इसका नेक आपको मिल जाता है वी शेप में, नेक में आपको इस टाइप से लेस डिटेलिंग मिल जाती है व्हाइट कलर से, बैक साइड में भी आपको लेस डिटेलिंग मिल जाती है। एंड इसका पैटर्न ना आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा। यू कैन सी, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको ऐसे ना ओपन करने के लिए इस टाइप से स्ट्रिंग मिल जाती है, आपको ना नॉट बांधना होता है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा खुल जाएगा, आपको स्ट्रिंग मिली है नॉट बांधने के लिए, तो ऐसा रैप अराउंड करके आपको बांधना होगा। जो लुक है आपको प्रॉपर ट्राइन पैटर्न में दिख जाएगा। इसका जो नीचे साइड से पैटर्न है वो आपको ए लाइन पैटर्न में मिलता है, आपको साइड स्लिट मिल जाता है, एंड स्लिट में भी ना आपको इस टाइप से लेस डिटेलिंग मिल जाती है। बहुत ही छोटा सा स्लिट दिया हुआ है, बैक साइड में ये पूरा प्लेन है। तो जो फ्रंट पैटर्न है ना इसका, वहाँ पे आपको इस टाइप से आप देख सकते हैं आपको लेस डिटेलिंग मिल जाती है वाइट कलर से। स्लीव्स की लेंथ आपको मिलती है इसमें 3/4, एंड स्लीव के एंड में भी आपको लेस डिटेलिंग मिल जाती है। तो जो वाइट कलर की लेस डिटेलिंग दी हुई है ना, उसके कारण कुर्ती का लुक बहुत अच्छा आ रहा था, थोड़ा सा इन्हांस होके आ रहा था लुक। एंड इसका जो बॉटम है गाइस, मुझे बहुत पसंद आया। दोनों का जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कैरी करने में। ये आपको मिल जाता है प्लाजो स्टाइल में, यू कैन सी, एंड ऑल ओवर दी पैंट आपको इस टाइप से ना चेक पैटर्न मिल जाता है वाइट एंड पिंक कलर में। इलास्टिकेटेड नहीं, सेमी इलास्टिक वेस्टबैंड आपको दिया हुआ है, एंड इसमें आपको कोई पॉकेट नहीं मिलता है, बिकॉज इसकी ना कुर्ती में आपको वन साइड में पॉकेट मिल जाता है। इसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट हो रही थी मुझे, एंड इसका जो फ्लेयर्ड है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दोनों स्टाइल करने के बाद बहुत अच्छे लग रहे थे, कॉलेज और ऑफिस के लिए तो परफेक्ट है। मैंने आई थिंक इसको ना ब्लैक कलर के बैग के साथ स्टाइल किया था। वेट मैंने ना बैग भी रख रखा है, बिकॉज मैंने ना इसे रिसेंटली ही ऑर्डर किया है। यू कैन सी गाइज, कुछ इस टाइप से ये बैग है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा बैग है, लेदर मटेरियल में आपको मिल जाता है। सो अगर आपको बैग की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज जब भी मैं ना बैग ट्रायन पार्ट में शूट करती हूँ ना, आप लोगों के बहुत कमेंट आते हैं कि आपने बैग कहाँ से लिया है, तो ये वाला बैग मैंने अभी रिसेंटली ही परचेस किया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वाला बैग, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। यू कैन सी कुछ इस टाइप से है इसका लुक, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये वाला बैग। तो बात करते हैं अब कुर्ता सेट की। कुर्ता सेट तो बहुत अच्छा है, ट्राई कर सकते हो, 100% कॉटन मटेरियल है इसका। साइज मैंने इसमें, लेट मी चेक, वैसे तो स्मॉल ही है, यस स्मॉल ही है, अनॉक ब्रांड से मैंने इसे ट्राई किया है। दोनों का लुक ना कैरी करने में बहुत अच्छा आ रहा था, एंड प्राइस वाइज भी गाइज बहुत अफोर्डेबल है ये। मैंने ओनली 711 रुपीज में ये दोनों को परचेस किया है, बट अभी इसका प्राइस ना 3589 समथिंग को शो हो रहा है, जो ओरिजिनल प्राइस है। बट आपको अगर पसंद आ रहा हो, कार्ड में ऐड कर लेना, एक दो दिन में ना नॉर्मल प्राइस हो जाता है, तो आप उस टाइम चेक कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ता सेट। तो ये वाले कुर्ता सेट का प्रिंट एंड कलर बहुत अच्छा है गाइस, पैटर्न भी मुझे बहुत पसंद आया। इस बार मैंने जितने भी कुर्ता सेट ऑर्डर किए ना, सभी का पैटर्न एक दूसरे से अलग है। मैंने सोचा ना एकदम प्लेन ऑर्डर नहीं करते हैं, लाइक स्ट्रेट फिट, बिकॉज सभी के पास उस टाइप का पैटर्न होता है, कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। बिकॉज ऐसा कुछ डिफरेंट ट्राई करो ना, तो थोड़ा सा अलग ही फील होता है, मुझे तो मतलब अलग फील होता है। आई डोंट नो अबाउट यू कि आपको कैसा लगता है, हर टाइम मतलब एक जैसे कपड़े पहनना ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो ये वाले कुर्ता सेट का कलर आपको मिल जाता है ब्रिक, एंड इसमें आपको ना कुर्ता बॉटम एंड स्कार्फ मिल जाता है। तो सबसे पहले इसका हम कुर्ता देख लेते हैं। इसका जो कलर है गाइस बहुत अच्छा है। अगर आपको ना प्रिंटेड अच्छे लगते हैं सूट, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। यू कैन सी गाइस,
कुछ इस टाइप से इसका कुर्ता, ये आपको ना अनारकली पैटर्न में मिल जाता है, नीचे से काफी अच्छा आपको फ्लेयर पैटर्न मिलता है एंड इसमें आपको ब्लू एंड व्हाइट कलर से इस टाइप से प्रिंट मिल जाता है। आपको नेक मिल जाता है इसमें राउंड शेप में, इसकी स्लीव की लेंथ आपको 3/4 मिलती है एंड स्लीव के एंड में आपको ना इस टाइप से लेस डिटेलिंग मिल जाती है दोनों साइड में। नीचे साइड से काफी अच्छा इसका पैटर्न है एंड वेस्ट में आपको यहाँ पे ना ऐसा प्लीटेड पैटर्न भी मिल जाता है। बैक साइड से इसमें आपको सेम प्रिंट मिलता है एंड नीचे साइड में आपको इस टाइप से पैनलिंग में यहाँ पे आपको लेस डिटेलिंग भी मिल जाती है। तो लुक बहुत अच्छा आ रहा था इसका। इसका मटेरियल भी आपको 100% कॉटन मिल जाता है। इसका जो बॉटम है उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट प्रिंट मिलता है एंड प्लाजो स्टाइल में आपको इसका बॉटम मिल जाता है। लुक एट दिस, कुछ इस टाइप से है इसमें प्रिंट। इसमें आपको वेस्ट में मिलता है सेमी इलास्टिक वेस्ट बैंड एंड इसमें कोई पॉकेट नहीं मिलेगा एंड इसका जो प्लाजो है उसका फ्लेयर काफी ज्यादा अच्छा है। नीचे साइड में आपको ऐसे लेस डिटेलिंग भी मिल जाती है। दोनों ही स्टाइल करने के बाद बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। मतलब अगर आपको लाइक ना थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए, प्रिंट एंड प्रिंटेड कुर्ता सेट आपको पसंद आते हो, एक बार आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं बिकॉज दोनों का लुक तो अच्छा ही आ रहा था बट इसमें ये जो एक्स्ट्रा चीज दी हुई है ना, ये जो छोटा सा आपको स्कार्फ दिया हुआ है गले में बांधने के लिए, इसके कारण ना पूरा लुक इन्हेंस हो जा रहा था। यू कैन सी इसकी लेंथ एंड विड्थ आपको इतनी मिलती है, मतलब नॉर्मल स्कार्फ से थोड़ा सा बड़ा है ये, ओनली नॉट बांधने के लिए ही दिया हुआ है एंड इसके कॉर्नर में आपको इस टाइप से लेस डिटेलिंग मिल जाती है। प्रिंट आपको सेम ही मिलता है जैसे इसके कुर्ते में प्रिंट है ना, सेम वही प्रिंट है। तो ये तीनों भी बहुत अच्छे लग रहे थे स्टाइल करने के बाद। मटेरियल आपको 100% कॉटन मिल जाता है एंड इससे आई थिंक ना मैंने लेट मी चेक सांग्रिया ब्रांड से ऑर्डर किया है। ओरिजिनल प्राइस तो ना सभी के बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, 3299 है बट मुझे ये कॉस्टली है गाइस ओनली 860 रुपीज़ में। बट अभी इसका प्राइस ना 2804 शो हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा शो हो रहा है। बट जब भी आपको सही प्राइस में मिले ना आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना बिकॉज ये ना कॉलेज ऑफिस और डेली वेयर में तो अच्छा लगेगा बट अभी ना नवरात्रि भी स्टार्ट होने वाली है तो अगर आप लाइक फास्टिंग करते हैं, मंदिर जाना है आपको, तो भी आप इसे स्टाइल करेंगे ना प्रॉपर एक्सरसाइज करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है गाइस ये वाला कुर्ता सेट। Now moving on to the next कुर्ता सेट। So ये वाला कुर्ता सेट इज माई फेवरेट बिकॉज इस टाइप के कुर्ता सेट ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद आते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कुर्ता सेट। ये आपको मिल जाता है ग्रे कलर में एंड इसमें आपको टॉप एंड बॉटम का सेट मिलता है। सो इसका कुर्ता आपको इस टाइप से मिल जाता है। यू कैन सी गाइज एकदम प्लेन कुर्ता है, कुछ भी आपको मतलब ऐसा प्रिंट नहीं मिलेगा बट ये प्लेन होने के बाद भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है। इसमें आपको नेक जो है ना वो वी शेप में मिलता है एंड नेक के जस्ट नीचे से आपको इस टाइप से प्लीटेड पैटर्न मिल जाता है। यू कैन सी तो इस टाइप के कुर्ता सेट ना बहुत अच्छे लगते हैं। इसका जो पैटर्न है वो आपको आलिया कट स्टाइल में मिल जाता है एंड स्लीव्स की लेंथ इसमें आपको 3/4 मिलती है। ऑल ओवर दी कुर्ता आपको इस टाइप से ना सेल्फ डिजाइन मिल जाती है। नीचे साइड में ना इसमें आपको असिमेट्रिक पैटर्न मिलता है, आपको ट्राय एंड पार्ट में अच्छे से लुक समझ में आ जाएगा। वैसे लेंथ मुझे बहुत अच्छी हो रही थी इसकी। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में इसका लुक आपको सेम मिलता है। नीचे साइड से काफी अच्छा इसमें प्रॉपर ऐसा फ्लेयर्ड पैटर्न दिया हुआ है। इसका जो बॉटम है वो आपको पैंट स्टाइल में मिलता है, सेम ही है जैसे इसका कुर्ता है ना उसी टाइप से है इसका पैंट भी। इसकी फिटिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छी हो रही थी। वेस्ट में आपको मिल जाता है इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड दोनों साइड में एंड इसका जो कुर्ता है ना गाइज उसमें आपको ना दोनों साइड में पॉकेट भी मिल जाते हैं। इसके बॉटम में आपको पॉकेट नहीं मिलेगा, ओनली कुर्ते के दोनों साइड में आपको पॉकेट मिलते हैं। सो बहुत अच्छा है गाइस, मतलब बहुत से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है ये वाला कुर्ता सेट। अगर आपको लाइक ऐसे कॉर्ड वाले कुर्ता सेट पसंद आते हो ना आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, कॉलेज एंड ऑफिस में तो बहुत अच्छा लगेगा एंड समर में इस टाइप के जो लूज फिट वाले कुर्ता सेट होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं इसे। इसे ना आई थिंक मैंने वारंगा ब्रांड से ट्राई किया है। यस साइज मैंने अपना इसमें स्मॉल ऑर्डर किया है, फिटिंग मुझे एकदम परफेक्ट हो रही थी इसकी एंड इन दोनों का मटेरियल आपको सिल्क क्रैक मिल जाता है, वहाँ पे यही मेंशन था। प्राइस मैंने इसके लिए पे किया है 999 रुपीज़ बट अभी ना ये आई थिंक थोड़ा सा और सस्ता दिख रहा था मुझे, समथिंग कुछ 900 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं इसे भी, कलर ऑप्शन ना आपको इसमें बहुत मिल जाएंगे बट सिर्फ ये जो ग्रे वाला कुर्ता सेट था ना इसी का प्राइस मुझे 1000 के ब्लू दिख रहा था, बाकी सभी ना 1700 और 1800 के अराउंड थे। तो आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ता सेट। आई हैव दिस सी ग्रीन एंड वाइट कलर कुर्ता सेट। वहां पे ना आई थिंक मिंत्रा में मेंशन था कि ये टर्किश ब्लू कलर है बट यू कैन सी गाइज ये टर्किश ब्लू कलर तो बिल्कुल भी नहीं है, सी ग्रीन कलर है। बहुत ही ज्यादा अच्छा कुर्ता सेट है गाइज ये। इसमें आपको कुर्ता एंड बॉटम मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इसका कुर्ता देख लेते हैं। यू कैन सी गाइज
कुछ इस टाइप से इसका कुर्ता आपको मिल जाता है। स्ट्रेट फिट कुर्ता है ये, लेंथ काफी अच्छी है कुर्ते की, साइड स्लिट के साथ आपको मिलता है एंड ऑल ओवर दी कुर्ता आपको ना व्हाइट कलर की थ्रेड से पूरा काम मिल जाता है। यू कैन सी पूरा भरा हुआ कुर्ता है ये, आपको टॉप टू बॉटम पूरा इस टाइप से थ्रेड वर्क मिल जाएगा। इसका नेक आपको वी शेप में मिलता है एंड आपको नेक में ना इस टाइप से लेस डिटेलिंग मिल जाएगी एंड देन इधर साइड में भी आपको इस टाइप से योक पार्ट में लेस डिटेलिंग मिल जाती है। स्लीव की लेंथ इसमें आपको फुल मिलती है एंड ये ना फ्लेयर पैटर्न में स्लीव्स है एंड यू कैन सी इसके एंड में ना आपको इस टाइप से लेस डिटेलिंग मिल जाती है एंड आपको थ्रेड वर्क भी मिल जाता है। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था गाइज ये वाला कुर्ता स्टाइल करने में, स्लीव भी काफी प्रिटी है। बैक साइड से ये पूरा आपको प्लेन मिलता है, बॉटम में इसमें आपको पैंट मिल जाती है। यू कैन सी गाइज कुछ इस टाइप से इसकी पैंट है, एकदम प्लेन पैंट है, बस आपको लास्ट में इस टाइप से लेस डिटेलिंग मिल जाती है। वेस्ट में आपको दोनों साइड में इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड मिल जाता है, इसमें आपको कोई पॉकेट नहीं मिलेगा एंड फ्रंट में आपको ऐसी ड्रॉ स्ट्रिंग भी मिल जाती है, आप अपने अकॉर्डिंग लूज एंड टाइट कर सकते हैं। तो मुझे ये वाला कुर्ता सेट बहुत पसंद आया है, स्पेशली दिस कलर बहुत ही लाइट शेड है, समर में इस टाइप के जो लाइट शेड होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। मटेरियल भी काफी अच्छा है इन दोनों का, कॉटन ब्लेंड है, दोनों का सेम मटेरियल है एंड ये जो इसमें प्रॉपर थ्रेड वर्क किया हुआ है ना ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तो अगर आपको पसंद आ रहा हो ट्राई कर सकते हो। इसे मैंने ना भामा कुटोर ब्रांड से ट्राई किया है, साइज मैंने सभी में अपना स्मॉल ही ऑर्डर किया है बिकॉज मेरा स्मॉल साइज फिट हो जाता है मुझे एंड इसका जो ओरिजिनल प्राइस है ना वो 2999 है बट ऑफ में मुझे ये कॉस्ट किया है ओनली 1000 रुपीज में। बट मैंने ना अभी चेक किया था इसका प्राइस ना थोड़ा सा कम था, कितना था, यस 861 रुपीज। तो मिंत्रा में ना प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं गाइज, आप अपने कार्ड में ऐड करके रख लेना, अगर आपको सही डील में मिलेगा तो ही आप ट्राई करना। सो हाईली रिकमेंडेड है ये वाला कुर्ता सेट, आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ता सेट। सो ये वाले कुर्ता सेट का कलर जो है ना वो थोड़ा सा ब्राइटर साइड में एंड इसमें प्रिंट भी आपको ना पूरा एथनिक टाइप से मिलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कुर्ता सेट, इसमें आपको कुर्ता एंड बॉटम का सेट मिल जाएगा एंड इसके कुर्ते की डिजाइन भी ना थोड़ी सी डिफरेंट है जितने भी मैंने आपको प्रीवियस कुर्ता सेट दिखाए हैं। यू कैन सी गाइज ये आपको इस टाइप से मिलता है, ऑल ओवर दी कुर्ता आपको ना ऐसा एथनिक मोटिव्स वर्क मिल जाता है, मल्टी कलर से इसमें आपको ना प्रॉपर ऐसा प्रिंट मिलता है। यू कैन सी इसमें ना एलिफेंट्स भी बने हुए हैं, तो बहुत ही ज्यादा ना अट्रैक्टिव लग रहा था, अगर आप भीड़ में भी खड़े हो जाओगे ना तो कोई भी आपको पहचान लेगा। इसका कलर बहुत अच्छा है, प्रिंट भी काफी ज्यादा अच्छा है। अभी नवरात्रि स्टार्ट हो रही है तो आपको अगर फेस्टिवल के लिए रिक्वायरमेंट है कुर्ता सेट की आप इसे कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज कलर बहुत अच्छा है इसका। इसमें जो नेक है वो आपको मिल जाता है वी शेप में, यू कैन सी एंड यहाँ पे ना आपको नेक के जस्ट नीचे इस टाइप से प्लीटेड पैटर्न मिल जाता है, ये आपको ए लाइन पैटर्न में मिलता है नीचे से एंड इसमें ना साइड स्लिट आपको एकदम छोटा सा मिल जाता है। स्लीव्स की लेंथ इसमें आपको 3/4 मिलती है एंड ऑल ओवर दी कुर्ता फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में आपको सेम ही प्रिंट मिलता है एंड ये वाला जो प्रिंट है ना ये वो जो रबर प्रिंट होता है ना उस टाइप का मुझे लगा। तो जब मैंने इसका पार्सल ओपन किया था ना उस टाइम पे मुझे इसका मटेरियल थोड़ा सा कड़क लग रहा था बट जब मैंने आयरन किया उसके बाद ये एकदम सॉफ्ट हो गया था। मटेरियल इसका आपको मिल जाता है कॉटन, इसका जो बॉटम है वो आपको मिल जाता है पैन, यू कैन सी कुछ इस टाइप से है इसका लुक। इसमें भी आपको सेम प्रिंट मिलता है, कॉर्ड्स टाइप से लुक है इसका। वेस्ट में आपको सेमी इलास्टिक वेस्ट बैंड मिल जाता है एंड इसमें आपको पॉकेट नहीं, कोई भी पॉकेट नहीं दिया हुआ है। तो दोनों का लुक ना स्टाइल करने के बाद बहुत अच्छा आ रहा था, कॉटन मटेरियल है, आप आराम से होल्ड पहन सकते हैं। अगर आपको लाइक इस टाइप के कुर्ता सेट अच्छे लगते हैं ना जिसमें प्रॉपर प्रिंट दिया हो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं एंड इसके कुर्ते में भी नहीं कोई भी पॉकेट नहीं दिया हुआ है। इसे मैंने ट्राई किया है अनॉक ब्रांड से, साइज मैंने स्मॉल ही ऑर्डर किया है, ओरिजिनल प्राइस तो बहुत ज्यादा है इसका 3599 बट मुझे ये मिला है 971 रुपीज में एंड अभी भी इसका प्राइस सेम ही शो कर रहा है। तो अगर आपको प्रिंटेड कुर्ता सेट डार्क कलर में चाहिए तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। सभी कुर्ता सेट बहुत अच्छे हैं गाइज, आपको अगर कुछ भी पसंद आ रहा हो ना जरूर एक बार ट्राई करके देख सकते हो। सो दीज आर ऑल दी कुर्ता सेट जो मैंने मिंत्रा से ट्राई किए थे, मेरे साइड से तो सभी हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपको कुछ पसंद आया हो लिंक सभी की मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बट जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साइड में जो बेल बटन है उसे क्लिक कर दीजिएगा सो दैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी। नाउ बाय बाय, टेक केयर।